नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस से लेकर भाजपा तक के सभी दिग्गजों का कार्यकाल देखा है और उस समय के राजनीतिक दाव पेचों के वे साक्षी भी रहे हैं। वहीं अब अपने अनुभवों को वो प्रदेश के हालात सुधारने के काम में ले रहे हैं। माना जाता है कि सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही है। इसे देखते हुए ही कांग्रेस आलाकमान ने सुलह कमेटी भी बनाई है। इसी रणनीति के तहत हाल ही में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जयपुर आकर सभी समर्थक विधायकों से रायशुमारी की। इसके बाद उन्होंने दो बड़ी बातें कही, एक तो ये कि कोई भी विधायक सरकार से नाराज नहीं है, दूसरी ये कि कई मंत्री तो पार्टी को मजबूत करने के लिए मंत्री पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। माकन का ये बयान ऐसे समय आया जब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें जोरों पर हैं। लेकिन उनके इस बयान से ये भी साफ हो गया कि पार्टी में ऐसे मंत्रियों की कमी नहीं है जिनके लिए मंत्री पद से ज्यादा पार्टी अहमियत रखती है। सरकार और संगठन मिलकर प्रदेशवासियों के हित में काम कर रहे हैं। इस बात को और पुख्ता करने के लिए अजय माकन के दिल्ली लौटने के अगले ही दिन चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक को अगले ही दिन रखने की वजह ये भी थी कि माकन की रायशुमारी के दौरान इस तरह की खबरें सामने आई कि कुछ विधायकों ने मंत्रियों के काम नहीं करने की बात कही है। लेकिन 31 जुलाई को ताम्रध्वज साहू की बैठक के संबंध में सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर ब्लॉग पोस्ट कर बताया कि गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से जो 501 वादे किए थे, इनमें से 321 यानी 64% वायदे अभी तक पूरे किए जा चुके हैं और 138 वायदे प्रगतिरत हैं, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट से वो सभी खबरें निराधार साबित हो गई जिसमें ये कहा जा रहा था कि विधायकों की सरकार से नाराजगी है। वही क्योंकि ये बात ताम्रध्वज साहू ने भी कही थी और इस समिति का गठन आलाकमान ने ही किया था। ऐसे में सचिन पायलट की बात कोई मायने नहीं रह जाती जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चुनावी वायदे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इस तरह से जब सभी लोग मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की गणित में उलझे हुए थे, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सूझबूझ से विधायकों की नाराजगी का मसला तो खत्म कर दिया।